अगर पात्रता में अरे आगे बूढ़ी का ठीक है चेक कराने की बात करते हो ठीक है अरे चलो ढोलो बेवकूफ आदमी क्यों कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो जब तुम्हारे लिए इतना तरीका नहीं है तो अपने घर बैठो साले बदतमीज इन गरीब महिलाओं की इनके जो है जिनकी 15 साल उनके पति के पेमेंट वो नहीं मिल रही पेंशन ये नियम में आते हैं क्या अगर ये कई नियम में आते हैं क्या बताइए मुझे अगर उनकी प्रावधानी मिले प्रावधानी ये देख लो ये प्रावधानी देखो ये देखो मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पति को मैं चेक करा चेक नहीं करा करा पहले आपका कर्तव्य क्या है आप ये बताइए आप कलेक्टर है ना बैठक थी जिसमें प्रभारी मंत्री जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री जी का के जन्मदिन के अवसर पर ये मतलब है शिविर लगाना है जन कल्याण शिविर जो जनता से जुड़े भाई काम है वो होना है तो ये पंचायत स्तर पे लगने थे हर पंचायत में हर गांव में तो आज जहां पे मुख्यमंत्री जी 8 बजे उठ के सारे कर्मचारी अधिकारी जितने भी बड़े लेवल के हैं कलेक्टर से लेके ना जो भी हैं वो आज बीसी से लेके जैसे भी मतलब उनकी वो कर रहे हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जनता तक आप लोग को जाना है और जनता के घर तक पहुंचना है कि उनकी क्या समस्या है आपके लिए कर्मचारियों के लिए। पर आज हम देख रहे हैं कि इधर के सारी योजना फेल है, कोई भी मतलब शिविर संपूर्ण तरीके से लग ही नहीं रहा।
मैंने देखा नरसिंहगढ़ इतनी 5-7 हजार की जनसंख्या है उधर, तो मैं आज शिविर में गई हूँ तो ना उधर आर आई है, ना तहसीलदार है, ना फुट अधिकारी है, ना उधर मतलब बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ना उधर उसके समिति के जो सचिव है ना वो भी नहीं है, जो सचिव रोजगार सचिव है। अब जे उधर की समस्या है, जे माता राम है, अभी आपने देखा कलेक्टर साहब के सामने मैंने खुद बोला है 15 साल माता राम को उनके पति खत्म हो गए। इसके पहले कोई वो पंडित थी एक लड़किया सहायक सचिव क्रांति दुबे, कोई काम नहीं किया, इन गरीबों से कई बार 2-2, 3-3 सौ रुपए भी ले गई। क्या करते हैं चैम्बर में बैठ के, इस टाइप के शिविर लगने चाहिए। जब मैंने उधर से बात की तो बोल रहा मैं मैडम दिखवा लूंगा नियम के तहत, ये नियम है, ये सब लेडीज जो खड़ी हैं ये नियम के तहत नहीं आती हैं, मैं नियम के तहत ही बात कर रही हूँ और तुम चैम्बर में बैठ के मुझे नियम बता रहे हो, भैया क्या तरीका है भाई। शिवराज सिंह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जनता तक ये योजनाएं पहुँचे, जनता की पीड़ित क्या है उन तक समस्या पहुंच पा, उनकी समस्या हल हो पा रही कि नहीं, तो शिविर लगवाए जाए, जो बोल चेक करा लेंगे। वो एक पिक्चर है ना, कौन सी पिक्चर है जिसमें वो कहने लगता है कि अमरीश पुरी का बंगले पे आ जाना, बंगले पे आ जाना, ऐसे चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे। पागल हो गया क्या, अकल नहीं है बिल्कुल कलेक्टर हो के, बुद्धि नहीं है कि हम सामने बोल रहे हैं कि ये कागज है और जो 15-15 साल के पति खत्म हो गए, इनके इनके लाने राशन कार्ड नहीं मिल, राशन नहीं मिल रहा हुआ है, इनके बच्चों को आईडी में नाम नहीं जुड़ रहा हुआ है, ये हमारा बिल नहीं, जे इनके बिल नहीं है, इनके पति इनकी भी राशन की समस्या है, जे सारी लेडीज की समस्या ही को खड़ी है, इनकी बहू को लड़का वाले भाई हैं, अबे दो लड़कों के नाम नहीं जुड़े यहां, जब फुट अधिकारी मिलेगी ही नहीं तो कहां नाम जुड़ेंगे, किससे पर्ची में नाम जुड़वा लेंगे। मुख्यमंत्री की योजना है वो जिला प्रशासन की वजह से जनता को नहीं मिल पा रही, मुख्यमंत्री की जो योजना है वो जिला कलेक्टर फेल कर रहा है बिल्कुल। मैंने आप ही की टीवी चैनलों के माध्यम से देखा था, एक दिन कौन सी में सो रहे थे, जब ऐसे अधिकारी सोने वाले अधिकारी बैठार देंगे अदर मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेटों में या जहां भी, तो आप जा बताइए कि जनता की हालत क्या होगी भाई। मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, लेकिन कलेक्टर का व्यवहार देख लिया आपने, बताओ चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे, क्या चेक करा लेंगे, थोड़ी देर और खड़े रहते ना तो भी चेक करावे लायक नहीं बचते, जहाँ हम यहाँ कह रहे हैं। अच्छा है कि जल्दी चैम्बर में घुस गए, नहीं तो जो गरीब ने हम छोड़ते ना उनके नाने, क्योंकि जो गरीबों का हक है, जो आज इनके नाने टुकरियाँ हैं जे हैं जे इतनी, ऐसे हम गाड़ी में कितनों हलवा के ले आए, सरपंच महोदय और हम लुवा के ले आए हैं, वो तो कम से कम 100 महिलाएं बैठी और आदमी बैठे समस्या को लेके, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी ही नहीं है। और तुमसे बात करो तो नियम की बात कर, जब भी बात करो कभी भी बात करो किसी भी समय, अब बात करो ठीक है मैडम मैं नियम में देख लूंगा, अरे जब नियम के वकील के फकीर हो और इतनी रामान बांध में, तो किसी मंदिर में जाकर बैठना, इधर क्यों बैठने आ गया, कलेक्टर ही बन गए बन के, और कैसे हमारे भी शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुखिया, जो देखते ही नहीं किन किन भूतों को कलेक्टर बना के बिठा दे, जिन्हें कछु पता ही नहीं ना, चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे बस पता है। प्रवेश प्रारंभ, नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड बेसरा मालथौन जिला सागर, 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है, डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।